ओम शांति। ये हमारा बगेरी खेत में ये मकई लगाया हुआ है और ये अभी मकई को 2 महीना हुआ है बस, और 1.5 महीना के बाद इसमें फल एकदम अच्छे से आ जाएगा। ये वही मकई अमेरिका मकई है। अच्छा, ये अमेरिका मकई है। जी जी जी। और यहाँ पे अभी जैसे आप देख रहे हैं ये मिट्टी अभी फट चुका है, सूख रहा, क्योंकि इस बार बारिश हो गया। बारिश होने के कारण अभी बहुत ज़्यादा गीला हो गया ना, पानी ज़्यादा रहेगा तो ये पौधे ख़राब हो जाता है, इसलिए अभी इसको सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। अभी 1-2 दिन के बाद इसको फिर इसको मिट्टी को इसको खुदाई करके इसको साइड साइड में इसके पेड़ के नीचे चढ़ाया जाएगा लाइन से। तो जैसे मिट्टी हल्का करेंगे पेड़ को भी, पेड़ थोड़ा बड़ा होगा आराम से, फिर धीरे धीरे 1.5 महीने के बाद तो फल भी आ जाएगा इसमें और कटाई भी आ जाएगा इसमें। अभी आने का सिचुएशन दिख रही थी इसमें, थोड़ा थोड़ा फूल होने जैसा लग रहा है, पर अभी हुआ नहीं है, टाइम है अभी। अभी 15 दिन के बाद जी फूल जाने लगेगा। ये तो खाद नहीं डालते इसमें? इसमें खाद क्या डालते हैं आप? कुछ डालते नहीं। गोबर तो डालते हैं ना, गोबर खाद डालते हैं। जी जी जी। अभी ये बीआरएन साहब ये डीएपी एरिया वाला हो गया है। अच्छा, तो ये भाई साहब बोले आपने डीएपी एरिया कुछ डालना नहीं। अच्छा, ऐसे जैसे पकते ऐसे खाना जी। ये सब माना हमारा देसी खाद वगैरह डालते हैं। हाँ, देसी खाद। गोबर डालते हैं। और ये कोई दवाई छिड़कते हैं पत्ता कुछ, अगर कीड़ा ना खाए? दवाई तो ये कीड़ा होते हैं डालते हैं। हाँ, दवाई भी वो देसी ऑर्गेनिक वाला जो बाबा के घर में बनाते हैं ना। इनके नीचे दिया पे डाला हुआ है। अच्छा, ऊपर भी एरिया डाला हुआ है। एक पर फिर एक बार ये भुट्टा इतना निकलने लगे फिर ये डाल दो, फटाफट आ जाते हैं। जी 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 जी। ये आप देखो ये आग ये गैस जलाते है। हाँ जी। कम ही गैस जलते तो वो धीरे धीरे गर्म होता है जी, पूरे फुल गैस जलते तो जल्दी। अच्छा, हो जाते। ऐसे ये भी है जी, खाद नीचे भी डाला ऊपर भी डाला जल्दी हो जाते है। जी जी जी। तो चलिए आप भी ऐसे मक्के का खेत कीजिए और देसी खाद से ही आप कीजिए, करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, ज़मीन भी अच्छा रहता है, उर्वरता हमेशा बरकरार रहता है। इसमें हमारा संदेश है कि आप भी देसी खाद में कोई भी फसल कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए, ज़मीन के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वायुमंडल के लिए भी। ओम शांति।